प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी के खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास लेकर जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है और वह देखती है कि वहाँ एक सांप गरुण पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुण पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर छोटी बहू को वह चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुण पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है, अनहोनी से बचाना। तो यह थी अहोई अष्टमी की कथा। नमो नारायण।